पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं समेत छह की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। अलग अलग घटनाओं में खेत में काम करने गए लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है। पन्ना में लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसी ही अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हो गए हैं। SP धर्मराज मीना ने बताया कि पटना तमोली ग्राम पंचायत में उरेहा गांव में लोग खेत में धान को रोप रहे थे कि तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य व्यक्ति झुलसकर घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु सलेहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दूसरी घटना सिमरा गांव की है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से तेजीलाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। तेजीलाल अपने खेत में भैंसा चरा रहे थे कि तभी यह हादसा हुआ। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी एक भैंस की भी मौत हो गई है। उसके साथ ग्राम चौमुखा में एक 65 वर्षीय वृद्ध इतर आदिवासी की भी मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई है। पवई पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कल आकाशीय बिजली गिरने से थाना सलेहा क्षेत्र में और थाना पवई क्षेत्र में कुल अभी तक 6 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं और उससे साथ ही साथ 10 से 12 लोग अभी घायल है, जो पन्ना चिकित्सालय में और सलेहा चिकित्सालय में इलाजरत है। तो इससे स्थानीय जो नागरिक हैं उनकी काफी जान की क्षति हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।